सियांग लोकसभा क्षेत्र डोंबिवली पूर्व के पलावा गोकुल धाम सोसाइटी से रामनवमी पर्व पर स्थानिक समाज सेवी कंचन सिंह उर्फ AKC एवं DKC के मार्गदर्शन तथा युवा हिंदू हृदय शुभचिंतक पारसी के नेतृत्व में समस्त हिंदू परिवार द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान पारसी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सनातन विरोधियों पर जमकर प्रहार किया और मर्यादा पुरुषोत्तम को 500 वर्षों से टेंट में रहने को लेकर कांग्रेस सरकार एवं सनातन विरोधियों को जिम्मेदार बताया। इस शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं एवं हिंदू शेरनियों ने सनातन धर्म के गानों पर जमकर झूमे और जय श्री राम के नारे लगाए। सबसे पहले तो जय जय श्री राम, जय श्री राम। हम सभी हिंदू भाई जो भी हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान के बाहर रहते, उनको 500 वर्ष बाद ये खुशी मिली है कि हमारे रामलला 500 वर्ष बाद टेंट से अपने मंदिर में जाकर विराजमान हुए। इस खुशी के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों से होता जा रहा है ये कार्यक्रम, जो लोधा पलावा सर्व समाज हिंदू एकता मंच और समस्त जो हमारे हिंदू भाई बहन यहाँ पर है, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन सबको मैं लोधा पलावा सर्व समाज हिंदू एकता मंच की तरफ से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में हमारी जो सरकार है, करंट गवर्नमेंट है, मोदी जी, हम सबको धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके वजह से, उनके इन कर कमलों से जो आज 500 वर्ष बाद रामलला के विराजमान होने की ऐतिहासिक घटना हुई है, उस महत्वपूर्ण घटना के लिए हम मोदी जी, शिंदे साहब, हम सभी जितने भी हमारे हिंदूवादी नेता हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय जय श्री राम। जैसी मानसिकता के लिए मेरा इतना ही संदेश है कि यहाँ पर खड़ा हर एक बच्चा, हर एक नवयुवक जो यहाँ पर अपनी इस रामलला के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने आया है, वो उतनी ही कट्टरता से अपने धर्म, अपने समाज के लिए भी खड़ा रहेगा। जो लोग जिहाद की सोचते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि आज हमारा जो हिंदू समाज है वो जाग चुका है और हम ऐसी किसी भी भ्रांति में नहीं फंसने वाले जो यहाँ पर फैलाई जाती थी। हम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहेंगे और अपने समाज से दूर रखना चाहेंगे। तरफ से आयोजित इस भव्य शोभा यात्रा में हमने शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें आप देख रहे हैं कि रथ यात्रा का प्रबंध है, जिसमें लोग सीता माता, राम जी, लक्ष्मण जी सबका गेटअप करके हैं। यहाँ पर DJ की व्यवस्था है, हम लोग पूरे जितना अपना परिसर है सब में ये शोभा यात्रा घुमाएंगे, सबको नाश्ता पानी जो भी है उसका व्यवस्था किया गया। उसके बाद गणेश घाट पर जाकर अपने इस कार्यक्रम की समापन करेंगे। सनातन धर्म को लेकर बस ये कहना है कि सनातन धर्म को मिटाने की सोचने वालों, इस धर्म से दूर रहना, क्योंकि इसको मिटाने वालों की हस्ती मिट गई है, मगर यह धर्म ना मिटा है ना मिट सकेगा। ना उगते सूरज को कोई रोक पाया है, ना कभी कोई रोक पाएगा। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।